हे गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। ये कैसा सपना चलेगा? ये नहीं करने का कसम का फिर भी बूझ गया, तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का है? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी को लोग आज भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस फिल्म के दोनों पार्ट सुपरहिट गए थे और दोनों ने ही काफी अच्छा बिजनेस भी किया था। अब लोग इसके थर्ड पार्ट का काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फैंस इस फिल्म से आने वाली हर एक अपडेट्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, हेरा फेरी 3 को लेकर अब एक काफी बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ चुका है, जिसे जानकर आप इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2023 में हेरा फेरी 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया जा चुका था और इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी और फिल्म का फर्स्ट लुक भी हमें देखने को मिल चुका था, लेकिन अचानक इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। जी हाँ दोस्तों, अभी इस फिल्म की शूटिंग बिल्कुल बंद है। शूटिंग इसलिए बंद है क्योंकि फैंस हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर को लेकर खुश नहीं है। इस फिल्म का डायरेक्शन करने वाले थे फरहाद सामजी, जिन्होंने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को भी डायरेक्ट किया था, जो कि यह फिल्म बुरी तरीके से पिट गई थी। ऐसे में फैंस चाहते हैं कि हेरा फेरी 3 को कोई बढ़िया डायरेक्टर डायरेक्ट करें। दोस्तों, कुछ सोशल मीडिया अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस फिल्म का डायरेक्टर जल्द ही फाइनल होने वाला है और इस फिल्म की एक बार फिर से अनाउंसमेंट की जाएगी। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, इस फिल्म को कौन सा डायरेक्टर डायरेक्ट करें? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।